छज्जूनगर में बच्चे के जन्मदिन पर डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। घर पर हमले का सीसीटीवी वीडियो तेजी से वायरल। गांव छज्जूनगर में बच्चे के जन्मदिन पर डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। झगड़े में एक महिला की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हुए हैं। घर पर हमले का सीसीटीवी वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गांव छज्जू नगर बीती रात जमकर खूनी संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में एक महिला की मौत हो गई, जबकि दो महिला में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। गांव के जितेंद्र नामक व्यक्ति के घर बच्चों के जन्मदिन का जश्न चल रहा था और घर के बाहर डीजे बज रहा था। तभी डीजे बजाने को लेकर पड़ोसी केशव से विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हो गया। केशव अपने परिवार के लोगों के साथ आया और जितेंद्र के घर पर हमला कर दिया। इस झगड़े में जितेंद्र के परिवार की एक महिला के सर में गोली लग गई, जबकि दो महिला व एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली लगने से महिला की मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसको इलाज के लिए पलवल सिविल अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन वहां से उसको फरीदाबाद के लिए रेफर कर दिया गया और फरीदाबाद में महिला ने दम तोड़ दिया। आरोपियों ने घर के दरवाजे तोड़ डाले और घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल और दूसरे सामान को भी तोड़ दिया। गोली चलने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मौके से दो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कल रात को ना ये जन्मदिन की पार्टी मना रहे थे, तो गली में इसी बात पे ऊपर झगड़ा हो गया और इसमें एक कोर्ट को गोली लगी है, जिसमें जिसकी मौत हो गई। उसमें हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसका पोस्टमार्टम करा के आगे तफ्तीश कर कारण पता लगा क्यों गोली चली है, कितने चलाई है गोली। हाँ भाई ने FIR दर्ज कराई है उन पड़ोसियों के खिलाफ, आपस में अड़ोसी पड़ोसी लोग। कारण पता लगा है क्यों? कारण तो वही है, कुछ पुरानी रंजिश है, कुछ डीजे वाली गाड़ी गलौच हुई है। तो मेन लग रहा है कि डांस करते हुए नाचते हुए ये झगड़ा हुआ है या पहले का? पहले का ही लिखा है उन्होंने, पहले का ही है, छोटा मोटा जमीनी विवाद।